सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पर उनकी सरकार के मंत्री ने ही घोटालों का आरोप लगाया था। लाल पठार में कुआं धंसने के दौरान हुए हादसे में शिवराज सरकार ने पीड़ित परिवारों को सहायता राशि चेक के माध्यम से दी थी, जिसको बैंकों ने वापस कर दिया। बैंक द्वारा चेक वापस लौटाने को लेकर प्रदेश सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। वहीं सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने इसको लेकर कहा कि उनको इस मामले में जानकारी नहीं है। पीडीएस को लेकर कांग्रेस के सवाल पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि अगर कमलनाथ के पास कोई साक्ष्य है तो हमें दें, हम मामले में जांच करेंगे। सभी दुकानों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जाएगा। भोपाल में बैठकर अधिकारी प्रदेश के सभी पीडीएस की दुकानों पर नजर रखेंगे। कौन सी दुकान खुली है और कौन सी दुकान बंद है, राशन की दुकान बंद होने पर संचालकों को नोटिस जारी होंगे और कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से पहली मुलाकात हुई है, कर्मचारियों द्वारा परेशानियों से अवगत कराया गया है, हम सभी परेशानियों पर विचार कर विधि सम्मत निराकरण करेंगे। दिग्विजय सिंह के आरोप पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि लोगों के बीच चर्चा में रहने के लिए दिग्विजय ऐसा करते हैं, उनकी सरकार के मंत्री ने ही उन पर घोटाले के आरोप लगाए थे। जो भी पीडीएस के सिस्टम में कोई दुकान को बंद नहीं रखने दिया जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो गरीब जनता है हमारी, ऐसे लगभग 4,88,00,000 लोगों को निःशुल्क अनाज देने की व्यवस्था इस सरकार का है। मुझे लगता है कि कमलनाथ जी पे कोई तथ्य हो तो हमको एक कागज पर लिख कर दे दें। जितना बेहतर व्यवस्था अभी हम लोग ने की है, जितना ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हमें लोगों ने की है, उतनी कमलनाथ जी को सरकारों ने नहीं रही है। फिर भी अगर कमलनाथ जी पे ऐसे कुछ कार्ड मिलते हैं जिनको नहीं मिला है तो आप अवश्य दीजिए कमलनाथ जी, तो उनका सुधार करने के प्रयास सरकार करेगी। मुझे इस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली लाइट में रहने के लिए, मजे में रहने के लिए, लोगों में चर्चा में रहने के लिए समय समय पर ऐसे मुद्दे डालते रहते हैं जो रेलेवेंट हैं या नहीं है, सुसंगत या नहीं है। तो मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूँ, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से बेहतर प्रयास भी किया और कर भी रहे हैं। भाई आपके सरकार के मंत्री थे मिस्टर उमंग सिंघार जी, उमंग सिंघार ने आपके बारे में क्या क्या कहा था, किस प्रकार की घोटालेबाज दिग्विजय सिंह है, किस प्रकार से सरकार को दखल दिया। और मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार ही दिग्विजय सिंह जैसे अहंकारी लोगों के कारण ही कांग्रेस की गई, अंतर्कलह के कारण गई, इसलिए आज जनता की सेवा के लिए हमको मौका दिया। हम लोग सब समस्याओं का समाधान एक ही है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।